अरे अरे देखिए कितनी इंटरेस्टिंग गल्ला कर रहे हैं। हाँ वैसे मुंडा है कमाल दा, इंसानों लगे सी के खड़ूस है। हाँ बीजी, आज फवाद ने सबको सरप्राइज कर दिया। बिल्ला, यकीन नहीं हो रहा है, ये फवाद है? भाभी जान, आज का दिन तो कोई नहीं भूल पाएगा। लगता है सितारों की रोशनी फीकी नहीं पड़ रही है, यहाँ जैन और आलिया की नजदीकियां हो रही है, और मरियम को ये भी नहीं पता कि कल का वो सूरज देख भी पाएगी कि नहीं। मैडम जाओ यहाँ से, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इश्क जिंदगी का वो आईना है जिसे देखने के लिए आंखें नहीं दिल चाहिए। आंखें तो बस जरिया है। इश्क जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है। आप जिंदगी को अलग नजरों से देखते हैं। आपको वो सारी चीजें भी अच्छी लगती है जिनसे आप नफरत करते हो। ये इश्क है ही कमाल का गिफ्ट, जिसे मिलता है वही इसे समझ पाता है। इसे हो क्या गया है? ये फवादी है या फिर कोई और उसकी मिमिक्री कर रहा है? और इसने मुझे कॉल क्यों किया था अभी? तुमसे कुछ कहना था मंजीत। प्यार, उस पर इतनी फिलोसफी दे रहा है। यही तो बताना है तुम्हें। छोटे अबू, आप खरे खरे सो गए? अरे भाई, ये फवाद है, इसे कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं कब क्या कर बैठे नालायक। सही कह रहे दादा हुजूर, फवाद को तो आज तक कोई नहीं समझ पाया। लीला, भाभी जान, बच्चों का फन तो शुरू हो गया, लेकिन लगता है कि आपको फंड वाले सांप ने बुरी तरह डस लिया है। चुप कर छोटी, फंड वाले सांप के जहर का इलाज होगा। मेरे जहर का कोई इलाज नहीं है। ये इस छोटी का आज इस घर में आखिरी दिन है, और आखिरी दिन ही होगा। ओके ड्रैगुला, अभी आप प्रिंस बन के आओ। ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और से सुनो, अब की कोई भूल चूक बर्दाश्त नहीं करूंगी।
गलती की तो ये तुम दोनों की आखिरी गलती होगी। एक मिनट मिस्टर ड्रैकुला, यू नो व्हाट, तुम सीरियसली ड्रैकुला लग रहे हो। मैं तो बहुत डर गई थी। क्या? हाँ, लेकिन पता है क्या, तुम रियल लाइफ में ज्यादा डरावने लगते हो, ऐसे थोड़े कम लग रहे हो। सीरियसली, फवाद अशरफ मुस्कुराता भी है। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी तो मेरी होगी और इसकी कॉपीराइट तो मुझे मिलनी चाहिए। क्या कर रहे हैं फवाद, इतना अच्छा जोक नहीं था। तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ? तब से तुम मुझे कह रहे हो मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ कहना है, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। हाँ, सही तो कह रही है, बोल तो मैं ही रहा था, अब आ ही गई है तो बोल दे। अब आ ही गई हूं तो कह क्यों नहीं देता, ऐसे भी क्या जरूरी बात है, बोलो। वो मैं पहले कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता हूँ, मैं बाद में बता दूंगा सब कुछ। हाँ, तुम जाओ अभी। एक मिनट, ये कोई मजाक है क्या? मतलब तब से मेरे पीछे पड़े हो और अब तुम ही मुझे भगा रहे हो। फवाद बोलो ना, बात क्या है? बाद में बताऊंगा ना। बंद कर लो, मक्खी मच्छर बहुत घूम रहे हैं। तुम कुछ कहने वाले थे ना? आई एम वेटिंग, बोलो। मैं कह रहा था कि ऐसा मुझे लगता है। ऐसा तुम्हें क्या लगता है? आई